तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर हमको मैनुअल अगर बफर बनाना हो लिस्मन स्टैन के लिए तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे आप ये मेरे पास देख रहे हैं, ये एक बफर बनाने वाला कैप्सूल है और साथ साथ में हम बीकर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 100 ml तक हम टॉप वाटर ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। डिस्टिल वाटर बेस्ट रहता है, अगर टॉप वाटर का भी पीएच अगर बढ़िया है तो भी ले सकते हैं, तो डिस्टिल वाटर बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे टॉप वाटर में बना रहा हूँ। तो 100 ml तक टॉप वाटर ले लेंगे और उसमें हम एक कैप्सूल लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कैप्सूल आखिर में कैसे दिखता है। देखिए ये हमारा कैप्सूल है जिसको हम पूरी तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद से इसके अंदर का जो भी मटेरियल पार्ट होगा वह हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे पीएच बनाने के लिए। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए हम इस कैप्सूल को पहले ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल किस कलर में दिखाई देगा। देखिए ये पूरा का पूरा वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसे वाइट साल्ट तरह का है। तो हम सारा सारा मटेरियल इसमें 100 ml जो हमारा ये है वाटर है उसमें हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने डालने के बाद से हम इसको पूरा मिक्स करेंगे, या कुछ टाइम तक हम इसको वेट करेंगे कि जब तक ये जितने भी हमारे जो क्रिस्टल है ये पूरा पूरा इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो देखिए हल्का हल्का आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं, या फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक पूरा पूरा इसके अंदर ये घुल जाएगा, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद से फिर आगे का प्रोसीजर क्या है ये बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आप भी अपने लेबोरेटरी के लिए आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा ये घुल चुका है। 100 ml वाटर में एक कैप्सूल हमको मिला है हमने। अब क्या करेंगे, इसको हम 500 ml में मिक्स करेंगे, यानी कि 500 ml हम इसको बफर बनाएंगे। तो पहले तो हम एक ऐसे बोतल में जो 100 ml हमारा जो इसमें हम 100 ml में जो घुलाए थे मिक्स किए थे हमने कैप्सूल को वो इसमें डाल दिया। फिर इसके अलावा हम 400 ml और वाटर इसमें मिक्स करेंगे, तो 500 ml में हमारा एक कैप्सूल काम करता है, यानी 500 ml का हमारा बफर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए ये 200 ml है, तो 200 ml पहले हम इसमें डाल देंगे। और जिस पानी का आप इस्तेमाल करते हैं वो पीएच जरूर चेक कर लेना। एक्चुअली मेरे पास जो टॉप वाटर रहता है उसका पीएच नॉर्मल है, यानी उसका पीएच 7.12 के आसपास ही रहता है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। वरना आप नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हैं या डिस्टिल वाटर से भी आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर जो भी अवेलेबल हो वहाँ से कर सकते हैं या टॉप वाटर से भी आप बना सकते हैं। तो हमने 100 ml पहले डाला था, 200 ml डाला, अब फिर से 200 ml और डालेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 500 ml में हमारा बफर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा लिस्मन स्टैन के लिए। और फिर उसके बाद से आप इसका पीएच मीटर अगर आपके पास है तो पीएच भी आप चेक कर सकते हैं। पीएच इसका करेक्ट आता है 7.1 या 7.2 के आसपास आता है, या 7.5 के अगर नीचे रहे तो ये बेस्ट रहेगा। और इसके साथ आप स्लाइड आराम से स्टैनिंग कर सकते हैं, और आपका जो लिस्मन स्टैन के लिए जो बफर है वो बफर हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।